थाना क्षेत्र के महावीर नगर स्थित एक कुएं में रहवासियों को तैरता हुआ शव दिखाई दिया। सूचना पर कैंट पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि विकास नगर अभिषेक चौहान ने सुबह उसके पिता चांदमल पिता भंवरलाल चौहान की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी। फरियादी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट में यह दर्ज करवाया कि उसके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वह सुबह घर से बगैर बताए कहीं चले गए हैं, जिस पर पुलिस द्वारा चांदमल की तलाश शुरू की गई। कुएं में शव मिलने के बाद पुलिस ने शंका के आधार पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले अभिषेक से शव की तस्दीक करवाई। वृद्ध की पहचान उसके पिता के रूप में हुई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जिला चिकित्सालय में शव का परीक्षण करवा कर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। गुमशुदगी सुबह काई में हुई थी आज, इसने करवाई थी अभिषेक ने। अभिषेक सनप चांदमल जी नाई, उम्र 32 वर्ष, निवासी विकास नगर 14/4 नीमच की। इसने रिपोर्ट कराई थी इसके पिताजी के कि वो पिताजी थोड़ा मानसिक रूप से कमज़ोर है और ये सुबह 5 बजे करीबन बिना बताए घर से चला गया था। इस पर से थाना नीमच कैंट पर गुम इंसान क्रमांक 2/21 दर्ज की गई थी। उसके बाद में पता चला कि कोई अज्ञात व्यक्ति वहाँ पे कुएं पे मिला है महावीर नगर में। तो यहाँ सूचना मिलने पर वहाँ पे पहुँचे तो एक व्यक्ति मिला था, जिस पर से ये जो पहले सूचना करता था अभिषेक, उनने बताया कि ये मेरे पिताजी की लाश है। तो कुएं में से वहाँ से बाहर निकाला और उसके कुएं में डूबने और गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। और फिर बाद में इसके PM हेतु CH नीमच लाए, उसका अभी PM करवा रहे हैं और उसके लड़के को सुपुर्द कर रहे हैं सर। ये है सुबह 5 बजे की बात है, घर से निकला था तो ये 2-3 घंटे तो हो गए उसकी तलाश करते। तलाश करने के बाद वहाँ पता चला तो फिर बाद में पता चल गया तो वो लाश मिली थी कुएं में। फिर बाद में उसको कुएं में से बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद नीमच यहाँ अपने अस्पताल में लाए।